अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द मुस्लिम किचन। आज हम बनाएंगे शाही बिरयानी, लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे। यहाँ पर पूरे 5 किलो का बिरयानी बनकर के तैयार होगा। तो इधर हमने 2.5 किलो चिकन ले लिए हैं और इसे हमें 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से हमें चिकन को पहले धो लेना है। तो चलिए मैं इसे धो ले रही हूँ चिकन को। तो देखिए इधर हमने हमारा चिकन धुल चुका था, तो इधर हमने 1/2 किलो तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और उसमें हमने 3 पाव प्याज हमने काट करके इस तरह से डाला है। इसका हमें बनाना है बिरिस्ता। तो यहाँ पर देखिए जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन आ जाए तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये तुरंत में कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब इस कलर का आ जाए गोल्डन कलर का तो आपको निकाल लेना है, क्योंकि ये निकालने के बाद भी इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है जारी रहती है। तो चलिए इसे हमने निकाल लिया। देखिए निकालते निकालते ही इसका कलर थोड़ा और डार्क हो गया है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। गोश्त हमारा धुल चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 बड़ी इलायची मैंने ली हूँ यहाँ पर, और 6 हमने छोटी इलायची लिए हैं, और 1/2 चम्मच हमने ये लिया है काली मिर्च, और 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, और 1 चम्मच शाही जीरा हमने लिया है, 1/2 छोटा चम्मच कबाब चीनी है, और लौंग 10 से 15 हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन को लेकर के हमने इसे पीस लिया था, वो हमने डाल दिए हैं इसमें। और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और 3 बड़े चम्मच इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किए हैं, 3 बड़े चम्मच यहाँ पर हमने तीखी वाली लाल मिर्च ऐड किए हैं, 1 चम्मच हमने हल्दी ऐड किया है, और ये 1/2 किलो दही है तो हम पूरा दही नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैं 400 ग्राम दही मैं इसमें ऐड करूँगी, और ये भर के 2 मुट्ठी हमने हरा धनिया डालना है, और उसका 1/2 ही हम इसमें डालेंगे पुदीना। तो यहाँ पर हमने 6-7 हरी मिर्ची डाली हूँ, और पुदीना के पत्ते को मैं काट करके डाल दे रही हूँ। तो जितना आप धनिया लीजिएगा उसका 1/2 आपको पुदीना का पत्ता इसमें डाल देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज का बिरिस्ता जो हमने बनाया था। तो 3 हिस्सा बिरिस्ता मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और 1 हिस्सा बचा ली हूँ, उसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। और जिस तेल में हमने बिरिस्ता प्याज का बनाया था वो तेल इसमें डाल दिया, और 1 चम्मच गरम मसाला डाले हैं, और ये है शाही बिरयानी मसाला जो होममेड है। रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो शेयर कर दूँगी। और ये है इतना छोटा हमने जायफल लिया था, और इसे हमने अमलदस्ता में इस तरह से पीस लिए हैं कूट के, तो वो डाल देना है। और थोड़ा सा मैं ऑरेंज रेड फूड कलर ली हूँ, क्योंकि बावर्ची लोग जब बिरयानी बनाते हैं तो उसमें ये फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट करने के लिए। तो ये काट करके बीच से मैं यहाँ पर 7-8 हरी मिर्ची और डाल रही हूँ, क्योंकि फरमाइश आया है कि बिरयानी स्पाइसी बनाना है, तो इसके लिए मैंने डाल दिया यहाँ पर हरी मिर्च और काट के, ताकि तीखा हो जाए। और इसमें 1/2 डब्बा हमने ये फ्रेश क्रीम का ली हूँ, और इसमें हम केवड़ा जल 2 चम्मच डाल रहे हैं, और इसे हमें मिक्स करना है अच्छी तरह से। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ये मिक्स हो गया, इसे हम चूल्हे पर चढ़ा दे रहे हैं ताकि ये भुने और पके। तो हमने उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और इधर हमने 2.5 किलो बासमती चावल लिया है, इसे हमें भिगो देना है और भिगो देना है। इधर हमने बिरयानी बनाने के लिए हमने चावल तैयार करना है, तो इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें लौंग, इलायची, शाही जीरा, जायफल और ये चक्रफूल है बादियान जिसे बोलते हैं, वो हमने डाल दिए हैं। और इसमें ये बड़ी साइज़ की नींबू है, इसके लिए मैं यहाँ पर 1 नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बीज निकाल करके मैं नींबू का रस इसमें डालना है, क्योंकि बीज चला गया तो ये कड़वा कड़वा लगता है। और साथ में नींबू का छिलका भी डाल दिए, 5-6 हरी मिर्च और तेजपत्ता के 3-4 पत्ते डाले हैं हम, और धनिया और पुदीना के पत्ते इसमें थोड़े से, और थोड़े से शाही जीरा हमने और डाला है। ये देखिए चिकन में हमने कोई पानी नहीं डाला है, ये चिकन का खुद का पानी है, और दही जो पानी छोड़ता है वो, तो इसे हमें भून लेना है। और ये देखिए इसे पकाते हुए 1/2 घंटा हो गया है, 80% तक चिकन पक भी गया है और भून भी गए हैं। तो चलिए इसे अब हम साइड में रखते हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो पानी हमने चढ़ाया था इसमें उबाला आ गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे हमारा चावल। चावल को भिगो के इधर 1/2 घंटा हो चुका है, तो चावल को छान करके डालिएगा, और इसे हल्के हाथों से चलाइएगा, क्योंकि ये भीगा हुआ चावल टूट सकता है।
और इधर हमने लिया है एक मुट्ठी काजू, हमने भिगो दिया था, और ये चार मगज आते हैं ना वो, आप चाहे तो बादाम भी ले सकते हैं। और इसे हमें पीस लेना है थोड़ा पानी या तो दूध डाल करके, तो ये मैंने दूध डाल के इसे पीस लिया है। और चिकन देखिए ऊपर जो तेल है ना चिकन का, वो मैं निकाल लूँगी, उसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। और ये देखिए तेल हमने निकाल लिया है। यहाँ पर भी मैं एक नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, आपका नींबू छोटा हो तो आप दो नींबू का रस ऐड कीजिएगा। मिक्स करके हमने बिरिस्ता इसके ऊपर से बिछा देना है जो हमने बचाया था एक हिस्सा, और धनिया पत्ते और पुदीने पत्ते इसके ऊपर से बिछाने हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे काजू का पेस्ट जिसे हमने पीसा था, अच्छी तरह से फैला देना है। और ये जो चावल हम ऐड कर रहे हैं ये 80% कुक है ये चावल, तो नीचे हम कम कुक चावल ऐड करेंगे। और देखिए हमारा चावल चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, और ये एक लेयर हमने 80 पका हुआ चावल का बिछा के ऊपर से शाही बिरयानी मसाला हमने छीट दिया है। अब जो चावल डाल रहे हैं ये 90% तक पका हुआ है, तो ऊपर से बिछा करके ये चावल, और हमने जो तेल निकाले थे ना चिकन से वो तेल इसके ऊपर से डालना है। और ऊपर से हम घी डालेंगे क्योंकि ये शाही बिरयानी है तो इसमें घी तो डलेगा ही। और ये कलर है जिसमें हमने केवड़ा जल में ये कलर को हमने घोल लिया है, तो ये भी डाल दीजिएगा ताकि अच्छी लगे बिरयानी देखने में। और इसे ढक करके हमें ढक करके 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम करना है। और चाहे तो आप आटा भी लगा सकते हैं साइड से। और ये देखिए बिरयानी को हमने कर लिया है दम, और इसे हल्के हाथों से मिक्स करके आप इसे सैलेड के साथ सर्व कीजिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।